टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी के लिए। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट बॉडी के लिए इसलिए क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो एक कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए होंगी इक्वेशंस, और जब हम वेरिएबल करेंगे तब हम क्लास 11th में पढ़ेंगे जिसको हम कैलकुलस मेथड से देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, वी हैव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, इन तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को हमें सिक्वेंस में ही याद रखना पड़ता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में हम उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम बोलते हैं इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन में। ठीक, वेलोसिटी टाइम रिलेशन इसको हम लिखते हैं v, यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन की हम बात करेंगे तो सेकंड इक्वेशन होती है हमारी इक्वेशन फॉर पोजीशन, फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए, पोजीशन टाइम रिलेशन के लिए। ठीक, इसको हम लिखते हैं s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक, ये हो गई हमारी सेकेंड v इक्वल्स टू यू प्लस at फर्स्ट इक्वेशन, एंड सेकेंड इज s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। थर्ड जो हमारे पास आती है वो हम पढ़ते हैं इक्वेशन फॉर पोजीशन वेलोसिटी, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन में। ठीक, ये होता है हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। सो हेयर वी हैव थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट वाली हमारे पास है v इक्वल्स टू u प्लस at, दूसरी हमारे पास s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड वाली हमारे पास v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक, ये तीन इक्वेशन है, देखो यहाँ पे वेलोसिटी यानी कि v और u है और टाइम के रिलेशन में। ठीक है, एंड द एक्सेलरेटेड बॉडी कैसी है, हमारी कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्मली बात हो रही है, यानी कि a हमारे पे क्या है हमारा कॉन्स्टेंट के लिए बात हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट रखी हुई है। ठीक, देन सेकेंड है हमारे पास पोजिशन टाइम रिलेशन, पोजिशन हो गई s यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, t टाइम दे रखा है, अगेन a फिर से हमारा कॉन्स्टेंट, और थर्ड वाली जो है भाई पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन के लिए, यानी कि v वेलोसिटी a और s इज दी पोजिशन। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, पहली इक्वेशन ऑफ फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, सेकेंड है पोजिशन टाइम रिलेशन के लिए, और थर्ड वाली है पोजिशन वेलोसिटी के लिए, यानी कि v इक्वल्स टू u प्लस at, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक, अब हमें क्या देखना है कि जो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है इनको हम अपने कोर्स में जो हमें क्लास 9th में हमें वो हमारे पास दो तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो जब हम प्रूफ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को तो वी हैव टू टाइप, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला मेथड यानी प्रूफ करने के लिए पास दो मेथड्स है, पहला मेथड जो होता है वो हमारा है मैथमेटिकल मेथड, और सेकंड हमारे पास है ग्राफिकल मेथड। ठीक, तो मैथमेटिकल और ग्राफिकल मेथड हमारे पास है। इस वीडियो में हम आज मैथमेटिकल मेथड्स की बात करेंगे, सेकेंड वीडियो इसका जो होगा उसके बाद इससे मैथमेटिकल मेथड के बाद हम ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम वी टी ग्राफ, डी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ को पढ़ेंगे, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ को और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। देन हम उसके बाद फिर अपना ग्राफिकल मेथड को देखेंगे कि ग्राफिकल मेथड क्या है। ठीक, अगर हम आज स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथमेटिकल मेथड्स में, तो हम इसमें प्रूफ करने के लिए अगर मुझे फर्स्ट इक्वेशन प्रूफ करनी है, टू प्रूव द फर्स्ट इक्वेशन वी इक्वल्स टू यू प्लस, चलिए इससे पहले एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या कि जो हमारे पास इक्वेशन थी यानी कि वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी और एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, यहाँ पे ये सिंबल्स क्या डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें u, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, v इज द फाइनल वेलोसिटी, एंड द t इज द टाइम एज वी ऑल नो, a इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी,
एंड देन एस वी हैव इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट वी कैन टेक. क्लियर. अब हम देखेंगे टू प्रूव ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द मेथड ऑफ मैथमेटिकल फॉर्म. ठीक, मैथमेटिकल फॉर्म. क्लियर. तो मैथमेटिकल फॉर्म से हम अभी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करेंगे. तो फर्स्ट वैल्यू को प्रूफ करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन एज वी नो वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है हमारी वेलोसिटी टाइम रिलेशन इक्वेशन. वेलोसिटी टाइम रिलेशन पता है क्या कि वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो मैं प्रूफ करने के लिए पता है क्या कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय टी. डेल्टा का माने क्या हो गया, चेंज. ठीक, अब चेंज यानी कि फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट में चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ठीक अपॉन टाइम टेकन. ये टाइम फाइनल ऑफ इनिशियल के लिए हम क्या लिखते हैं, वी माइनस यू, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. ठीक, इसको मैं इंटरचेंज करके अगर लिखूँ तो मैं इस ए को टी को ए के पास भेज सकता हूँ, तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू. इस यू को नेगेटिव वाले को मैं जब यहाँ सेंड करूँगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी. अब हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे रीअरेंज. और रीअरेंज करने पे हमें क्या मिल गया यहाँ पे, इसको मैं देखो ऊपर लिख रहा हूँ, इसको हमें रीअरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें इस पर, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हैंस प्रूव्ड मैथमेटिकल. हमने क्या किया है देखो, हमने पहले v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी प्रूव करना था, पता था एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ए होता है डेल्टा v अपॉन टी, यानी कि डेल्टा माने चेंज, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. ठीक, अब यहाँ पे हमारे पास ए है फाइनल यानी कि v, इनिशियल यानी कि u अपॉन टी, और ए टी मैं इस टी को यहाँ सेंड कर दूंगा तो बन जाएगा ए टी इक्वल्स टू वी और माइनस यू. अब ये माइनस यू जब शिफ्ट होगा दूसरी साइड जाता है, ठीक, तो क्या हो जाएगा प्लस का यू, तो ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी. इसको हम जैसे ही रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये इसको हमने वी को यहीं लिख रहन दिया और यू प्लस ए टी, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्लियर. सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ जो होता है हमारा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक, इसको प्रूफ करने के लिए हमें पता होना चाहिए क्या, कि हमें पता है एक चीज़ की डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम. तो इस डिस्टेंस को मैं एस से डिनोट कर सकता हूँ और स्पीड की जगह मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ एवरेज वेलोसिटी. ठीक, फॉर पर्टिकुलर कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर डिस्टेंस इन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक, तो अब हमारे पास क्या बन गया, एस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. ठीक, पोजिशन के रिस्पेक्ट में अब हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी. तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का एवरेज कब निकलेगा, तो उन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल. तो यानी कि क्या, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टू. तो ये बन गया हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इनिशियल को हम यू और फाइनल को हम लिखते हैं वी से अपॉन टू. इस एवरेज वेलोसिटी को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ इस वाले में, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एस इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी के यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी. ये आ गया हमारे पास. ठीक, फिर हम क्या करेंगे आगे इसमें, अब हमें क्या करना है, देखो इस इक्वेशन में हमें एस यू टी और ए की ज़रूरत है, यहाँ पे एस यू टी की ज़रूरत है पर लेकिन वी की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ से हम वी को एलिमिनेट करेंगे और ए को इंट्रोड्यूस करेंगे. ठीक, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से
वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी को यूज़ करेंगे। यहाँ से हमें वी की जगह हम क्या पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, हम इस इक्वेशन में वी की जगह क्या पुट कर देंगे, यू प्लस ए टी। तो एस इक्वल्स टू यू प्लस वी की जगह यू प्लस ए टी अपॉन टू इन टू टी। एस इक्वल्स टू ओपन करेंगे यू प्लस ए टी अपॉन टू इन टू टी। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यू यू कितना हो जाएगा, टू यू प्लस ए टी इन टू टी, पूरे में टी मल्टीप्लाई में है, अपॉन टू। ठीक, तो एस इक्वल्स टू टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन टू। इसी को मैं अगर करूँगा तो टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर बाय टू, टू से टू कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, यू टी प्लस, अब देखो ये वन बाय टू यानी कि डिनोमिनेटर में, तो इसको हम वन बाय टू भी लिख सकते हैं या फिर टू भी लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ए टी स्क्वायर। हैंस हमारी सेकेंड इक्वेशन भी क्या हो गई, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पोजिशन टाइम, पोजिशन टाइम। क्लियर, नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, ये कितना होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ठीक, इसको हमें प्रूव करना है। ठीक, ये कौन सी होती है, पोजिशन वेलोसिटी की रिलेशन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए क्या होती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होती है। ठीक, अब हमें यहाँ पे देखो, हम सबसे पहले हमें ये पता कर लिया है कि क्या चीज़ की हमें इक्वेशन में प्रूफ करने की ज़रूरत है, किसकी नहीं है। तो यहाँ देखो, s की हमें है नीड, u की हमें नीड है, t की हमें नीड नहीं है। अब यहाँ से हमें t को एलिमिनेट करना पड़ेगा और हमें v चाहिए और v इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, अभी तक हमने टू इक्वेशंस पढ़ी हैं, एक तो ये पढ़ी है और इससे पहले पढ़ी है कौन सी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हमें क्या v मिल सकता है t के रिस्पेक्ट में, बिल्कुल मिल सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, v चाहिए, u चाहिए, a चाहिए, तो v माइनस यू अपॉन ए इक्वल्स टू टी लिख सकते हैं, t के रिस्पेक्ट में निकाल लिए क्योंकि हमें यहाँ से t एलिमिनेट करना है। अब इस वाली वैल्यू को उठा के मैं यहाँ t की जगह रखूँ तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u, t की जगह क्या रखूँगा मैं, v माइनस यू अपॉन ए प्लस वन बाय टू ए, और ये क्या आएगा, v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर। इतना क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आगे स्टेप फॉरवर्ड, अब हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो देखो, ये u और इसके अंदर का मल्टीप्लाई करवाऊँ मैं तो क्या हो जाएगा, s, ये क्या होगा, u इंटू वी माइनस यू इंटू यू यू स्क्वायर अपॉन ए। ठीक, प्लस, ये इतना हो गया, प्लस प्लस करने का, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये हमारा अभी वन बाय टू, अब देखो ये नीचे वाला डिनोमिनेटर भी तो स्क्वायर है, तो वन बाय टू ए अपॉन ए स्क्वायर, और ये बन जाएगा v माइनस यू का होल स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, u v माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस इस a से एक a कैंसिल, वन अपॉन टू ए, और ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये आ गया s इक्वल्स टू। अब इस पूरे का मैं चाहूँ तो एक एलसीएम ले सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 2a है नीचे डिनोमीटर में, यहाँ पे a है, तो इस पूरे का अगर मैं एलसीएम लूँगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास, इसको ब्रैकेट में अगर रख लें तो क्या हो जाएगा, 2a एलसीएम आ गया, a से a हो गया प्लग इन 2, तो यहाँ पे 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस, यहाँ पे 2a तो 2a तो पूरा सेम आ जाएगा, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2u या फिर vu, बात बराबर है। ठीक है, uv कर दो या vu कर लो। ठीक, अब देखो ये प्लस में है टर्म, माइनस में है, ये टर्म प्लस में है, तो ये कैंसिल हो गया, तो s इक्वल्स टू माइनस टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर अपॉन टू ए। अब आगे क्या कर सकते हैं हम, इस टू ए को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूँ तो ये बन जाएगा टू ए एस, और ये देखो ये माइनस का टू स्क्वायर, ये प्लस का स्क्वायर, तो इन दोनों को अगर हम करेंगे एडिशन करेंगे तो माइनस और प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये जाएगा माइनस यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर, माइनस टर्म को अंदर भेज दिया, ये स्क्वायर,
तो ये तो बन गया हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ये हो गई हमारी वेलोसिटी, पोजीशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। हैंस प्रूव्ड। क्या करा हमने इसमें थर्ड इक्वेशन में, v माइनस यू स्क्वायर टू एस प्रूव करना था। सेकेंड इक्वेशन से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लेके आए। यहाँ से हम t को एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे और v को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे v की ज़रूरत है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ से हमने t के रिस्पेक्ट में v माइनस यू अपॉन ए रखा। अब इस v माइनस यू को t की जगह रखने, t की जगह पुट कर देंगे तो यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, u की जगह यहाँ पे u और t की जगह v माइनस यू बाई हाफ ए और ए टी की जगह v माइनस यू का होल स्क्वायर। इस u को मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो u इंटू वी माइनस यू इंटू यू इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन टू ए, सॉरी ए तो ए रहेगा प्लस टू ए। अब ये देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर और वी माइनस यू का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये किया ठीक, तो एक ऐसे ए कैंसिल, ये बन गया मल्टीप्लाई में टू यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए टू ए वी स्क्वायर माइनस यू प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी या वी यू। तो अभी टू यू वी से एक वी यू, यू वी कैंसिल दोनों, ये बचा। अब हमारे पास यू स्क्वायर प्लस में और माइनस का टू यू स्क्वायर, तो हम यहाँ से इसको एडिशन करेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का, तो टर्म कौन सा बचेगा, सिर्फ माइनस वाला। और ये हो गया वी स्क्वायर, इसको रीअरेंज करके लिखा और हमारे पास इक्वेशन आ गई कौन सी, थर्ड, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन तो आ गई, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इक्वेशन मोशन हमारे पास आ गई है, वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस। ये जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमारी स्ट्रेट लाइन के लिए तो हैं। अब जी सपोज करिए ये हमारी एक्स एक्सिस पे कोई थी, हमारी जो कार मूव कर रही है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगी, यानी कि इसके अंदर जो चेंज इन वेलोसिटी वो हो रहा है, यानी क्या वो एक्सेलरेशन वो इस डायरेक्शन में है मोशन के अलोंग ठीक। तो जितने भी हमारे मोशन अलोंग द डायरेक्शन जैसे चल रहे हैं, किसमें एक्स एक्सिस की ओर चल रहे हैं ठीक, जिसमें हम एक्सेलरेशन यानी चेंज इन वेलोसिटी, किसी फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन में चेंज आ रहा है वो इस डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो हम उसमें सारी इक्वेशंस लगाएंगे ठीक। अगर हमारे पास एक कंडीशन आ गई क्या कि अब हमारे पास जो बॉल, अब हमने जो या तो यहाँ पे एक फुटबॉल थी, इस फुटबॉल को किक किया तो अभी इधर गई। अगर हमने सपोज करिए कि उसी फुटबॉल को या फिर एक स्टोन को हमने ऊपर फेंका, तो अभी तो ये कार जो फुटबॉल थी या बॉल थी वो क्या डिस्टेंस कर रही थी, ऐसे में ट्रेवल कर रही थी ठीक। पर लेकिन अब हम क्या करेंगे, जैसे हम किसी स्टोन को या उसको ऊपर फेंकेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा, हमारा एक हाइट में आ जाएगा ठीक। किस में आ जाएगा, ये हमारे पास हाइट में आ जाएगा टर्म ठीक, यानी कि h के लिए। और अब क्या होगा, जैसे ही ये हाइट में आएगा तो अब जब भी हम इसको ऊपर फेंकेंगे और नीचे आएंगे तो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आगे आके हम चैप्टर पढ़ेंगे ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ठीक। तो हर प्लेनेट का अपनी खुद की एक ग्रेविटी होती है अट्रैक्ट करने की ऑब्जेक्ट्स को ठीक। जैसे ये हमारी अर्थ है, यहाँ से हमने कुछ भी फेंका तो ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो इस जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरती है, हमने देखा हुआ है, जो भी चीज़ हम ऊपर फेंकेंगे वो नीचे फॉल करेगी। इस चीज़ को हम बोलते हैं फ्री फॉल, इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। इस फ्री फॉल की वजह से यानी किसी ऑब्जेक्ट पे जो नीचे जिस स्पीड से वो नीचे आएगा तो उसकी वेलोसिटी में चेंज होगा, उसकी वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो किसकी, यानी कि एक्सेलरेशन हो रहा है उसमें। पर लेकिन ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, किसी पर्टिकुलर प्लेनेट की। तो हम इसको अब हम क्या दे देंगे, हम ए की जगह हम इंट्रोड्यूस कर देंगे जी को, तो उसको हम बोल देंगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हो रही है वो किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी ग्रेविटी की वजह से ऑफ पर्टिकुलर प्लेनेट। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे ए की जगह जी को पुट करेंगे, यानी कि एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगी ग्रेविटेशनल एनर्जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, और जो हमारा डिस्टेंस एस मेजर कर रहे थे वो हमारा कन्वर्ट हो जाएगा हाइट में। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी किसके लिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल। ये हम आगे भी पढ़ेंगे पर लेकिन हमने अभी इसलिए कवर कर लिया कि हम उसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए उस टॉपिक हमें इसलिए समझ में आ जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन कैसे बन जाएगी, फर्स्ट वाली में आ जाएगी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी था, ए की जगह क्या आ जाएगा जी टी। सेकेंड वाली हमारे पास क्या बन जाएगी, s की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब s तो बचेगा नहीं ना, तो क्या डिस्टेंस तो नहीं, हाइट है, तो h इक्वल्स टू यू टी
प्लस हाफ ए टी की जगह क्या आ जाएगा, जी टी स्क्वायर। और थर्ड वाली हमारे पास क्या आएगी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए एस था, ए की जगह जी और एस की जगह एच, टू जी एच। ये हमारी बन गई थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर फ्री फॉल, फॉर फ्री फॉल। ठीक, अब हम इसके बारे अब हम इसके बाद हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है ग्राफिकल इक्वेशन। ठीक, और ग्राफिकल से पहले हम पढ़ेंगे ग्राफ को ड्रॉ करना है, ग्राफ कैसे होते हैं, किस किस के ग्राफ हमें पढ़ने हैं अभी, वी टी ग्राफ, डी टी ग्राफ एंड ए टी ग्राफ, जिसमें वी टी एंड डी टी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास नाइन्थ के लिए। ठीक, तो हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, उसके फिर हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ।